वर्ल्ड मीडिया टाइम की टीम से एआईएमएम की में पड़ी फूट को लेकर के हम पूर्व शहर दक्षिणी विधायक प्रत्याशी अफजाल मुजीद और उनके मीडिया प्रभारी से खास बातचीत कर रहे हैं। देखिए उस खास बातचीत के कुछ अंश। तो आइए हम मीडिया प्रभारी जी से कुछ सवाल करते हैं, जिसको देखते हैं वो उसका क्या जवाब दे पाते हैं। जी बताइए कि ऐसा क्या हुआ आपकी पार्टी में जो आज फूट पड़ रही है और पार्टी दो गुटों में बंट रही है, इसका क्या रीजन क्या है? सबसे पहले पार्टी में कोई फूट नहीं है और ना पार्टी दो गुटों में बंटी है, पार्टी बहुत मजबूत है। और हमारे जो पूर्व सदर थे मसूद आलम साहब, चूंकि अभी विधानसभा चुनाव मार्च में संपन्न हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में अंदरूनी गतिविधियां उनकी पार्टी के खिलाफ थी और उसके पुख्ता सबूत शहर दक्षिणी प्रत्याशी ने, जब मार्च में सम्मेलन हुआ था लखनऊ में पूरे प्रदेश के, जहां हम 36 सीटों पर चुनाव लड़े थे और लखनऊ प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक में सभी प्रत्याशियों से जब फीडबैक लिया गया कि जिला अध्यक्ष उनके संगठन ने क्या काम किया, तो उनकी सारी गतिविधियां एंटी कैंडिडेट थी और एंटी पार्टी थी अंदरूनी। इस वजह से चुनाव के बाद एक, जब हमारी उनको पद, वहीं तुरंत तत्काल इलाहाबाद जिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया। नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपकी पार्टी दो गुटों में बंट रही है, क्या ये सत्य है? पार्टी कोई गुटों में नहीं बंटी है, ये एक महज अफवाह उड़ाई जा रही है कि पार्टी की दिन पर दिन लोकप्रियता चूंकि बढ़ती जा रही है, हमारी पार्टी अब तेलंगाना महाराष्ट्र से निकलकर बिहार यूपी बंगाल आंध्र पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। और जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं, पूर्व सदर ने एक वो पेपरों में कुछ चैनलों में दिया था, मैं आपको ये उनको, पहले हम लोगों ने एक ये सोकाज नोटिस दिया, फिर सोकाज के बाद हमारे पूर्व सदर ने, ये मैं कैमरे के सामने दिखा भी रहा हूँ, ये पहले उन, ये प्रदेश अध्यक्ष के आदेश से उनको निकाला गया, फिर ये उनकी प्रूफ ऑफ सर्विस है और फिर ये स्थानीय अखबारों में पेपर की कटिंग वगैरह। फिर इसके बाद अब वो पार्टी में रह नहीं गए, तो जो उनके एक दो लोग पार्टी में रह गए तो इस तरह की उनके माध्यम से अफवाह उड़ा रहे हैं कि पार्टी दो गुटों में बंटी है चुनाव में, तो इस तरह कहीं कुछ नहीं, हम एकजुट हैं। और 8 अक्टूबर को हमारा पूरी पार्टी का हर प्रकोष्ठ, हर विंग, हम सम्मेलन कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, इस तरह की अफवाहों को पार्टी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, कि इस जैसे लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा, उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि एमआईएम में भी इस तरह होने लगा। एमआईएम में कहीं कुछ नहीं है, एमआईएम एकजुट है, अपने मजबूती से हम नगर निगम के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, संगठन हमारा तेजी से बढ़ रहा, सदस्यता अभियान चल रहा, लोग अपने आप आ रहे हैं, चूंकि हमारे पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार संसद से लेकर सड़क तक और उनके आह्वान पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब के भी आदेश पे, उन्होंने हमसे, हम उनके आवास पे लखनऊ में, हम और अफजाल साहब जब गए थे, हम लोग उनका, उन्होंने कहा पब्लिक इशू को लेकर सड़क पे आप आइए, उनके मुद्दों पे लड़िए, उनके आंदोलन पे रहिए और हमेशा उनके लिए खड़े रहिए। तो हम लोगों ने लगातार 4 महीना काम किया और 3 अगस्त को प्रदेश सम्मेलन हुआ था, इलाहाबाद को नंबर 1 की खिताब मिला था, हमारे पास रिकॉर्ड था, पेपर कटिंग से लेकर सारे, हम लोगों ने कमेटी हर जगह जहां जहां काम किए थे पूरे उस प्रदेश सम्मेलन में इलाहाबाद की पेपर कटिंग और पूरा समीक्षा बैठक में सारे पदाधिकारी, और उन्होंने इलाहाबाद काम को ग्रेड नंबर 1 दिया, तब कहां से फूट पड़ गई हमें ये नहीं समझना था। जी तो जैसा कि भी आपने देखा कि इन्होंने बताया कि इनकी पार्टी में कहीं से भी फूट नहीं पड़ी है, तो आइए अब शहर दक्षिणी के विधायक अफजाल जी से बात करते हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं। आप ये बताइए कि हमारे, आपके पार्टी कुछ कार्यकर्ता हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रेस रिलीज जारी की गई और लखनऊ में वेब चैनल्स पर अफसार महमूद और अफजाल मुजीर यानी कि आप पर इल्जाम लगाया गया कि आप फिरका परस्ती कर पार्टी को दो गुटों में बांट रहे हैं, क्या ऐसा ही है? जिन्होंने इल्जाम लगाया, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष थे, अब वो पार्टी से आज निकाल दिए गए हैं, तो उनके जो 2-3 लोग थे वो तो अपने आप हट गए, तो वो उसको आप वो कुछ भी इल्जाम दे दें, और हम लोग इतिहाद के लिए निकले हैं, ना कि फिरका परस्ती के लिए निकले हैं। जी नहीं, वही बात मैं भी कहना चाह रही हूँ कि हम सब भारतवासी हैं, ठीक है, फिरका परस्ती का तो कोई मुद्दा आना ही नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया तो आपने इस पर क्या एक्शन लिया? इस पे हमने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बेबुनियाद बातों पे एक्शन क्या लें, ये जो पहले से निकाला जा चुका है, वो कुछ भी न्यूज लगा दे, वो हमारी पार्टी में नहीं है, वो पता नहीं आरएसएस वालों के कहने पे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि किस पार्टी के कहने पे इल्जाम लगा दिया, तो बेबुनियाद इल्जामों पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, हम लोग पार्टी के काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जी धन्यवाद। आप बताइए मीडिया प्रभारी जी,
आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि आपकी अपनी पार्टी को सेक्युलर कहते हैं, वारिस पठान जो मुंबई से एमएलए रह चुके हैं उनका बयान आया है कि मुसलमानों को वंदे मातरम के नाम पर उनको भड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो मुसलमान सेफ नहीं है, क्या आपको ऐसा लगता है? महाराष्ट्र के जो हमारे विधायक वारिस पठान साहब ने कहा, सबसे पहले हम वंदे मातरम के बारे में आपको बता दें, वंदे मातरम का इजाद कब हुआ था? बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने जब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान इस देश का लड़ाई लड़ रहा था, तब उस समय हिंदू मुसलमान एक होकर लड़ता था कि देश को आज़ाद कराना था, और अंग्रेजों ने एक नीति बनाई वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब कि धरती की माँ की पूजा। तो चूंकि उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान अभी देश आज़ादी के नाम पर है कि हिंदू मुसलमान में इनको बांट दो तभी इनका आंदोलन टूट जाएगा, तब हम लोग अंग्रेज अपना यहाँ बांट फूट डाल के राज कर लेंगे। तो ये उसी आरएसएस जो उसी पैटर्न पे चल रही है, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए। महाराष्ट्र में 3.5 साल हो गए, साल डेढ़ साल बाद चुनाव है, वहाँ तमाम उनके मंत्री घोटालों में फंसे हुए हैं, अलकतरा घोटाला हो, बिस्कुट घोटाला हो, तमाम पंकजा मुंडे भी एक बहुत बड़ी घोटाले में फंसी हैं। इस सब माइंड डाइवर्ट, किसान वहाँ तेजी से आत्महत्या करें, कहीं उनका कर्ज माफ नहीं किया गया, उत्तर प्रदेश के किसानों को भी 1 लाख रुपया बेवकूफ बनाया गया, कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, वो भी फसल, सारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वंदे मातरम। चूंकि सिख समुदाय ने भी कहा हमारे यहाँ औरतों की पूजा नहीं होती, उन्होंने ओवैसी साहब का बयान का समर्थन किया, हम जनगण मन राष्ट्र गाएंगे लेकिन वंदे मातरम धरती की पूजा हमारे इस्लाम में नहीं, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं कर सकते। हम जनगण मन अधिनायक करेंगे, देश के लिए जान दिए भी हैं लिए भी, हमारी देशभक्ति की सर्टिफिकेट हमको आरएसएस से नहीं लेना, ब्रिगेडियर उस्मान हो, मौलवी लियाकत अली हो। जी, आपकी बात हमें यहाँ काटना चाहूंगी और मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगी। आप बिल्कुल आप अपने इस्लाम का धर्म आप निभाइए, आप उसकी पूजा भी करिए, ठीक है, आप वंदे मातरम आप मत बोलिए, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान आया है कि मुसलमान सेफ नहीं है भारतवर्ष में, क्या ऐसा उचित है? आपको ऐसा लगता है कि मुसलमान सेफ नहीं है भारतवर्ष में? बिल्कुल, जो इस तरह का माहौल पूरे हिंदुस्तान में खड़ा किया जा रहा है, गौर अच्छा के नाम पे एक दंगाइयों की भीड़ आती है, कभी पहलू खान को मार देती है, कभी 1 लाख को दादरी में कांड हो जाता, पूरे हिंदुस्तान में अब तक 40 मुसलमानों को, बेकसूर मुसलमानों को भीड़ ने, तो ये एक पूरे हिंदुस्तान में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो इस वजह से लग रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा, सताया जा रहा, और पूरा आरएसएस अपना एक एजेंडा, गुप्त एजेंडा लागू करके मुसलमानों को दोयम दर्जे की नागरिकता देने की तैयारी कर रहा है, जो उनके एजेंडे पे नहीं चलेगा। भारत के मुसलमानों को एकदम हाशिए पे लाना चाहते हैं, जहां जहां उनका एजेंडा नहीं सफल हो रहा है वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो जो अंग्रेजों के खिलाफ मुखबिरी का काम करते थे इसके पुख्ता सबूत है, कभी नागपुर में झंडा क्यों नहीं फहराया गया? आज नागपुर का आरएसएस का मुख्यालय है, ओवैसी साहब ने सही कहा, वारिस पठान साहब ने सही कहा, इम्तियाज नागपुर आरएसएस के मुख्यालय पे क्यों नहीं राष्ट्रगान होता है? वहां आरएसएस का झंडा लगा है, दूसरा गान होता है 15 अगस्त 26, क्या वो देश से अलग है? आप 370 खत्म करने की बात करते हो, चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, 371, 72, 73, 74, 75 खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? आप वहां 300 इन राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में ना आप जमीन खरीद सकते हो, वहां की लड़की साहब जब शादी करोगे तब आपको नागरिकता मिलेगी, ये भारत से अलग है, ये उनका कानून वहां अलग चलता है कि आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते उत्तरांचल में, वहां की लड़की शादी करिए, कश्मीर की लड़की शादी करिए। तो उन 370 मुद्दा है, 71 से 75 क्यों नहीं खत्म करते? तो ये दो तरह की दोयम दर, और आप नारा भी देते हो सबका साथ सबका विकास, तो ये दो मुंह ही बात नहीं चलेगी इस देश में। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कल सीएम साहब आए थे हमारे इलाहाबाद, ठीक है, जो अभी गोरखपुर में घटना हुई है, ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, 30 बच्चों की जान गई है, ठीक है, उसमें राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पर आप क्या कहना है? किसी एक धर्म के बच्चों की तो मौत हुई नहीं, उसमें कई धर्मों के बच्चे हो रहे होंगे, तो उसमें योगी जी का ये बयान आया है कि गंदगी की वजह से बच्चों की मौत हुई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने जो बोला है ये सही बोला है? गोरखपुर उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, गिरा जनपद है, वहां से लगातार कई बार सांसद रह चुके हैं, तो इनका ये बयान अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए है। और एक बड़ा शर्मनाक बयान हमारे स्वास्थ्य मंत्री का आया कि अगस्त में अक्सर बच्चे मरते हैं, अगर उनके घर का बच्चा मरा होता तो उसकी दर्द तकलीफ तब समझ में आता उनको कि अगस्त में बच्चे मरते हैं। तो आपने योगी जी को मालूम है कि गोरखपुर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, जेई का सबसे ज्यादा वहां पे गोरखपुर में हर साल होते हैं। तो आप मुख्यमंत्री बनने से पहले, और हम सबसे पहले मांग करेंगे कि धारा 304 में
मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के ऊपर, और डीएम को तत्काल आप निलंबित करिए, क्योंकि डीएम पर 3 दिन पहले जो समीक्षा बैठक हुई थी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बजट का अभाव को बताया नहीं, और 70 लाख रुपया नहीं है, 10 करोड़ विधायक खरीदने के लिए उनके पास पैसा है। तो अपनी विफलताओं को आप पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए, गंदगी से बच्चे नहीं मरते, जेई एक जो बहुत बड़ा टीकाकरण का आपने कोई इंतजाम नहीं किया, इसीलिए आज इतनी बड़ी भयंकर हादसा हुआ। और प्रदेश में इस तरह के और भी जो मेडिकल कॉलेज जो बजट के अभाव में चल रहे हैं, थोड़े बहुत चरमराने की स्थिति में, आप उनको ठीक करिए। जनता ने आपको मैंडेट दिया, मैंडेट का वेलकम करिए। हमको अपोजिशन में दिया, हम अपोजिशन का रोल करें, आप अपनी सरकार की जनता की भलाई और हित की काम करें। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह का बयान बहुत गैर जिम्मेदार बयान हम करें। जी धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि अफजाल साहब जी और मीडिया प्रभारी जी से हमने कुछ बात की, इन्होंने अपने अपने सवाल और जवाब का उसका अंश रखा। तो वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से अर्पिता पांडे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।